हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार दाकर स्वागत करता हूं आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। लाया हूं आपको एक नई वीडियो। इसमें भी जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम पहले की तरह ही हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज सोर्स ऑफ रेसिस्टेंट टू लीफ कर्ल ऑफ कॉफी। तो दोस्तों, जो लीफ कर्ल होता है कॉफी का, उसके रेसिस्टेंट सोर्स क्या है, कौन सी स्पीसीज इसमें। तो दोस्तों, जो लीफ कॉफी लिबरेका जो होता है वो लीफ रस्ट के रेसिस्टेंट होता है, इसको ट्री कॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्री कॉफी। कॉफी अरेबिका जो दोस्त होता है वो टेट्राप्लॉयड होता है, इसको हायर एलिवेशन पर कल्टीवेशन किया जाता है और दोस्तों यही इंडिया में जनरली कल्टीवेट होता है। कॉफी रोबस्टा होता है, जैसे डिप्लॉयड है, लोअर एलिवेशन कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, इसको वेट मेथड से प्रोसेसिंग करते हैं और इसको ड्राई मेथड से प्रोसेसिंग करते हैं। कैसे? इसको वेट वेट मेथड से प्रोसेसिंग करते हैं, उसको ड्राई मेथड से प्रोसेसिंग करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्टिमुलेटिंग एजेंट प्रेजेंट इन बीटल नट। तो दोस्तों, ये होता है अरेकोलिन 1% होता है इसमें। क्या होता है दोस्तों? अरेकोलिन 1%। और जो दोस्तों पॉलीफिनॉल्स एंड टैनिन्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं? ये अरेका नट में होते हैं। किसमें? अरेकानेट में होते हैं, स्टिमुलेटिंग एजेंट है। तो याद रखिए दोस्तों, ये अरेकानेट में होता है और इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटल वाइन इज ट्रेंड ऑन। दोस्तों, जो बीटल वाइन होती है उसको किस पर ट्रेंड किया जाता है? तो दोस्तों, जो आपने बीटल वाइन देखा होगा, बीटल वाइन किसको बोलते हैं? पान को बोलते हैं। तो इसमें बरेजा सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या? बरेजा सिस्टम फॉलो करते हैं। बोवर सिस्टम किसमें करते हैं दोस्तों? ये बोवर सिस्टम ग्रेप में करते हैं। ये कमर्शियल मेथड है, कमर्शियल ट्रेनिंग मेथड है इंडिया में जो करते हैं। वाइट ट्रेलिंग भी इसी ग्रेप में करते हैं दोस्तों। एंड जो परबुला सिस्टम होता है ये बहुत कम यूज होता है जनरली। कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डंपिंग ऑफ पपाया। दोस्तों, जो पपाया का डंपिंग ऑफ है उसके लिए कोजल एजेंट क्या है? तो दोस्तों, पीथियम स्पीसीज होता है ना, पीथियम स्पीसीज, तो उसका कोजल एजेंट है। किसका? डंपिंग ऑफ। दोस्तों याद रखिए, डंपिंग ऑफ जो फेमस डिसीज है किसके लिए? स्पेशली जो पॉट प्लांट होते हैं उसके लिए ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। याद रखिए दोस्तों, पॉट प्लांट्स के लिए ये पूछा जाता है कि पॉट प्लांट की सबसे मेजर डिसीज कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन, जो डंपिंग ऑफ होता है वो ज्यादा मॉइस्चर के कारण होता है। किसी कारण? मॉइस्चर के कारण। जब अगर फील्ड में मॉइस्चर अधिक हो जाता है तो ये डंपिंग ऑफ आता है। दोस्तों, ओडियम जो स्पीसीज होती है पाउडर मिल्ड्यू के लिए होती है। किसके लिए? पाउडर मिल्ड्यू के लिए। जेंतोमोनासिक बैक्टीरियल है जो रियली कैंकर करता है। जो एमएलओ जो है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको। क्या? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ये लिटिल लीप करता है। क्या करता है दोस्तों? लिटिल लीप करता है। क्या? लिटिल लीप, जैसे ब्रिंजल में करता है। तो याद रखिए दोस्तों, लिटिल लीप करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, हमें बहुत नॉलेज मिलेगी क्योंकि कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। हम हर एक क्वेश्चंस को याद डिस्कस करेंगे और हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फैमिली ऑफ फिलबर्ट। दोस्तों, फिलबर्ट की कौन सी फैमिली है? तो जो बेटुलेसी है ना दोस्तों, बेटुलेसी किसकी फैमिली है? फिलबर्ट की फैमिली है। और दोस्तों, एपोसाइनेसी के बारे में आपको मालूम होगा, जो एपोसाइनेसी जो करौंदा की फैमिली है,
और फैगेसी जो होता है, फैगेसी तो फैगोसी किसका होता है दोस्तों, आंख जो होता है कैलोट्रोपस डिजेंसिया जो होता है ना, आंख कैलोट्रोपिस डिजेंसिया उसी की फैमिली है। एंड दोस्तों अपने इसका आंसर क्या है, पिलवट की फैमिली कौन सी है, बेटुलेसी, कौन सी है दोस्तों, बेटुलेसी बी ऑप्शन। और जो दोस्तों एक और ऑप्शन समझ के, बॉम्बेसी किसका फैमिली होता है, दुरियन का होता है, किसका, दुरियन का। याद रखिए दोस्तों चारों फैमिली माइनर क्रॉप है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ब्राउनिंग इन एप्पल इज कॉज्ड ड्यू टू एंजाइम, दोस्तों आपने देखा होगा जब एप्पल अपन खाते हैं तो उसी जगह पर उसमें हल्का सा डार्क निशान बन जाता है, उसका जो तीव्र ऑक्सीडेशन होता है, तो ये किससे होता है दोस्तों, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंजाइम होता है, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेशन से वो होता है उसमें। तो याद रखिए पीपीओ दोस्तों, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछते हैं, क्या पूछ लेते हैं, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो हाइड्रोजनेज एंजाइम होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये जनरली हाइड्रोलिसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलेनम मेलोंजिना वैरायटी डैश बियर लॉन्ग एंड स्लेंडर फ्रूट, तो दोस्तों जितने भी लॉन्ग फ्रूट हैं उनको क्या बोलते हैं, सरपेंटम, सरपेंटम सर से लिए, सरप से लिया गया है, ये लॉन्ग फ्रूट्स के लिए होते हैं। जो डिप्रेशन जो स्पीसीज है वो कैसा होता है दोस्तों, तो आजकल आप देख रहे हैं छोटे छोटे फ्रूट आ रहे हैं ब्रिंजल के, जो जो भर क्या बोलते हैं, भरमा ब्रिंजल जो बनाया जाता है उसके लिए होता है। और जो एस्कुलेंटम देखा होगा दोस्तों, जो मीडियम फ्रूट आता है वो एस्कुलेंटम होता है, और भरते वाला भी एस्कुलेंटम में ही आता है। याद रखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेइन इज अ ग्लूकोसाइड प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ करी लीव्स, तो दोस्तों जो मुरैन होता है, देखो इसको याद रख रहे हैं, कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। मुरैन हमारे एक माली थे, वो किस में रहते थे, फूलों में रहते थे, किस में, फूलों की सेवा करते थे, उनका नाम था मुरैन, मुरैया। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट अपन कैसे याद रखते हैं, मुरैया कैसे पाए जाते हैं, फूलों में पाए जाते हैं, तो याद रखिए मुरैन इज फाउंड इन एन फ्लावर। और जो दोस्तों जो लीव्स में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको जो उसका एक अच्छा टर्म है दोस्तों, उसको सेनेजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, सेनेजिन। ये कैसे शुरू होता है दोस्तों याद रखिए, और इसमें के साइलेंट होता है, सेनेजिन बोलते हैं इसको। ये किस में पाया था सेनेजिन, लीव्स में पाया था, दोनों ही पूछे जाते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूसा क्रेन इज ए वेराइटी ऑफ, दोस्तों जो पूसा क्रेन है वो किसकी वैरायटी है, चौलाई की वैरायटी है, किसकी, चौलाई की वैरायटी। चौलाई को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, अमेरांथस बोलते हैं, अमेरांथस। दोस्तों अमेरांथस ओवरऑल लीफ वेजिटेबल में सबसे न्यूट्रिशियस होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि विच वेजिटेबल इज न्यूट्रिशियस्ट इन लीफी वेजिटेबल, तो दोस्तों इसका नाम है चौलाई। तो दोस्तों पालक की दो वैरायटी हमें याद रखना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूसा भारती जो पॉलीप्लॉट वैरायटी है दोस्तों, कैसी है, पूसा भारती पालक की वैरायटी है, पॉलीप्लॉट टाइप। और दूसरी है पूसा ज्योति, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती हैं। कद्दू की जो वैरायटी है दोस्तों, अरका चंदन, जो कि अरका चंदन विटामिन ए न्यूट्रिशियस है, और अरका सूर्यमुखी, अरका चंदन अरका सूर्यमुखी दोनों कद्दू की वैरायटी है दोस्तों, बहुत फेमस है, और ये IIHR बेंगलोर से रिलीज हुई है। ग्वार की जो वैरायटी रखे हैं दोस्तों, जो पूसा सदाबहार, कौन सी वैरायटी है, पूसा सदाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोपस्कम एस्कुलेंटम वैरायटी डैश इज नॉन एज ए चेरी टोमेटो, तो दोस्तों जो चेरी टोमेटो होता है ना वो होता है सेरेसीफॉर्मी, कौन सी होता है, सेरेसीफॉर्मी, डी आंसर, सेरेसीफॉर्मी होता है, छोटा और चेरी टमाटो थोड़ा सा लॉन्ग होगा इस तरह का। और दोस्तों जो पायरीफॉर्मी होता है वो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन वो इस तरह का होता है, पियर शेप पायरीफॉर्मी। और कॉमन टमाटो तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो भी मार्केट में आ रहा है। और जो बेरिडियम होता है दोस्तों, इसका कोई डंका शेप शायद नहीं होता, कभी ऐसा होता है, कभी बहुत लंबा भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड ऑफ डानिया वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर आर गेटिंग अवेलेबल ड्यूरिंग। तो दोस्तों जो डानिया जो है ये वेरी लेट वैरायटी है, या फिर अपन उसको ऑप्शन वैरायटी बोल सकते हैं, जो कि जनरली फरवरी मार्च में अवेलेबल रहती है। कब? फरवरी मार्च में अवेलेबल रहती है। तो याद रखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लस्टर बीन कंटेन म्यूसिलेजेनस सब्सटेंस। तो कौन सा जो सब्सटेंस है जो कैसा म्यूसिलेजेनस पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो है ना नाम है मेनोगैलेक्टेन। तो दोस्तों ये इसका उत्तर है, आंसर है सी, मेनोगैलेक्टेन इज फाउंड इन क्लस्टर बीन। तो दोस्तों याद रखिए जो एसिटोकार्बन आपने देखा होगा क्रोमोसोम को जब कलरिंग करते हैं तभी जो होता है दोस्तों ये एसिटोकार्बन, इसमें एक कलर बैन यूज होता है। क्लोरोफिल के बारे में सब जानते हैं दोस्तों। डायोजेनिन किसमें पाया जाता है दोस्तों? डायोजेनिन किसमें पाया जाता है? याम में पाया जाता है, याद रखिए डायोजेनिन याम में पाया जाता है। मेजर मिनरल प्रेजेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, लेकिन हम इसमें सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेजर मिनरल कौन सा होता है दोस्तों फ्रूट एंड वेजिटेबल में? पोटेशियम होता है। कौन सा? के सबसे ज्यादा यही पाया जाता है दोस्तों। लीफी वेजिटेबल में मोस्टली आयरन पाया जाता है। फॉस्फोरस किसमें पाया जाता है दोस्तों? गार्लिक में पाया जाता है। किसमें? गार्लिक में सबसे ज्यादा फॉस्फोरस पाया जाता है। रेटिनल विटामिन ए को बोलते हैं दोस्तों, और विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें होती है? ये कैरोटीन से बनती है। किसमें होती है? सबसे ज्यादा होती है अपना कैरेटम में। तो याद रखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल? तो दोस्तों इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल। सेकेंड अपना टर्की है दोस्तों, और ब्राजील और चाइना का तो नंबर नहीं आता है। ट्राइकोजेंथस एंग्विना इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ। ट्राइकोजेंथस एंग्विना है दोस्तों, याद रखिए एंग्विना। तो ट्राइकोजेंथस एंग्विना किसका करेक्ट नाम है? तो दोस्तों ट्राइकोजेंथस एंग्विना जो है ना किसका है? स्नेक गार्ड का है। किसका? स्नेक गार्ड का है। इसका साइंटिफिक नाम है ट्राइकोजेंथस एंग्विना। दोस्तों वैक्स गार्ड और वैक्स गार्ड और एस गार्ड, ई एस है, ई एस एच है दोस्तों। तो एस गार्ड किसको बोलते हैं दोस्तों? बेरनिकासा स्पिडा को बोलते हैं, बेरनिकासा स्पिडा। और जो गेरकेन होता है दोस्तों, क्या? गेरकेन। तो इसको बोलते हैं कुकुमिस एंग्विरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुकुमिस एंग्विरिया इसका साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट कॉर्न। दोस्तों इस क्वेश्चन हमने जानबूझ के रखा है क्योंकि लोग सीड और कर्नल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो स्वीट कॉर्न जब आता है तो सीड भूल जाना दोस्तों, इसका कर्नल इज द करेक्ट आंसर। इसका एडिबल पार्ट क्या होता है? कर्नल होता है दोस्तों। वैसे अगर सीड्स किसका एडिबल पार्ट है दोस्तों? सीड्स पी का एडिबल पार्ट है। किसका? अपने देखो टेंडर पी सीड्स अपन यूज करते हैं ना सब्जी में। तो इस्ट और स्टेम, तो दोस्तों ये भी बहुत है, जो अपना इंडियन पालक होता है, इंडियन पालक का फुल स्टेम और जिसको इंडियन बोलते हैं स्टेम और स्टाक और सब खा लेते हैं हम लोग, सब एडिबल होता है। और पोटैटो भी एक स्टेम होता है। क्या दोस्तों? आपने देखा होगा पोटैटो साइंटिफिकली स्टेम है। तो याद रखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ चाउचाउ। दोस्तों चाउचाउ आजकल जनरली हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस पर पाविस्टा लगा लीजिए दोस्तों। चाउचाउ किसका बॉटनिकल नेम है? तो चाउचाउ का बॉटनिकल नेम क्या है सॉरी? तो इसका है सीजियम इड्यूल। सी आंसर है दोस्तों, सीजियम इड्यूल। और सोरोपस एंड्रोगेनस किसका है दोस्तों? सोरोपस एंड्रोगेनस चाइनीज पोटैटो का है दोस्तों। किसका? चाइनीज पोटैटो का, सोरोपस एंड्रोगेनस। सॉरी दोस्तों, सोरोपस एंड्रोगेनस विंग्ड बीन का नाम है, साइंटिफिक नाम है। किसका? विंग्ड बीन का, गलती होगी दोस्तों। सोरोपस एंड्रोगेनस किसका है? विंग्ड बीन का है। और जो कोलियस फेरुलस किसका है दोस्तों? ये चाइनीज पोटैटो का है। किसका है? चाइनीज पोटैटो का है। सीसियम इड्यूल अपना चाउचाउ का है। और बेरनिकासा स्पिडा किसका है दोस्तों? एस गार्ड का और वैक्स गार्ड का। सी जी एम एस इज फाउंड इन।
दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीजीएमएस क्या होता है। साइटोप्लाज्म जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। क्या साइटोप्लाज्म जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी मतलब ऐसी मेल स्टेरिलिटी जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जीन दोनों की कारण होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? साइटोप्लाज्म के हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो ये दोस्तों किसमें पाई जाती है? ये ओनियन पाई जाती है। दोस्तों ब्रिंजल में भी मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। किसमें? ब्रिंजल में भी मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। और जो टर्निप होता है दोस्तों उसमें स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिव पाई जाती है। कौन सी? स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिव पाई जाती है। याद रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउपी इज अ टाइप ऑफ प्लांट। तो दोस्तों काउपी एक्सेप्शन है। आप याद रखिए, जो देखो मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं मोस्टली विंटर वाले होते हैं, जैसे जैसे कि हमारे कोर क्रॉप्स हैं और हमारे ये पोटैटो वगैरह हैं, ये किस में आते हैं? लॉन्ग डे में आते हैं। डे नोटर में कौन से आते हैं? टीबीसी। याद रखो दोस्तों, कौन? टी बी एन सी। क्या देखें दोस्तों? टीबीसी याद रखिए, टोमेटो ब्रिंजल एंड चिल्ली। और दोस्तों जो शॉर्ट डे होते हैं वो उसमें मोस्टली बीन्स आते हैं, सॉरी सॉरी। तो दोस्तों जो शॉर्ट डे में क्या होता है? स्वीट पोटैटो आता है। कौन? स्वीट पोटैटो। लेकिन जो काउ पी है दोस्तों ये डे न्यूट्रल है। क्या? डे न्यूट्रल है। कैसा है दोस्तों? डे न्यूट्रल है। किसके साथ आता है? टीबीसी के साथ आता है। किसके साथ आता है? टीबीसी के साथ आता है। तो लॉन्ग डे विंटर वाले होते हैं। डे न्यूट्रल टीबीसी और काउपी एंड फ्रेंच बीन आता है। कौन? टोमेटो ब्रिंजल चिल्ली काउपी फ्रेंच बीन। और शॉर्ट डे में दोस्तों स्वीट पोटैटो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हाईली टॉलरेंट टू सोइल एसिडिटी। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे ज्यादा तो अपना कौन सा होता है? पोटैटो होता है। मैं इसमें ऑप्शन नहीं है फिर भी आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा पोटैटो होता है। और इसमें दोस्तों जो है मेनली फेनल है। फेनल भी हाईली सोल एसिडाइजेशन प्लांट है। तो याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टॉक्सिक सब्सटेंस इन स्पेनेज। तो दोस्तों स्पेनेज में टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? तो दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? सेपोनिन पाया जाता है। क्या? सेपोनिन। सोलेनिन किस में पाया जाता है दोस्तों? ये ब्रिंजल में पाया जाता है। किसमें? ब्रिंजल में। और सिनिग्रिन किस में पाया जाता है दोस्तों? कोल क्रॉप में पाया जाता है। किसमें? कोल क्रॉप में। दोस्तों सेपोनिन स्पिनच के अलावा टोमेटो एंड एस्पेरिगस में भी पाया जाता है। किसमें? टोमेटो एंड एस्पेरिगस में। फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, सेपोनिन स्पेनेज, टोमेटो एंड एस्पेरिगस, सोलेनिन ब्रिंजल। और दोस्तों सेरोटोनिन जो है ना ये वाटरमेलन में पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सेरोटोनिन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों किस में पाया जाता है? ये वाटरमेलन में पाया जाता है। विच वन इज द सेल्पिंग वेराइटी ऑफ ऑनियन। दोस्तों याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है। तो पूसा माधवी इज है सेल्पिंग वेराइटी ऑफ ब्रिंजल। N50 दोस्तों करिप्शन वैरायटी है। ये पूछा जाता है कि खरीफ में किस वैरायटी का अपन ग्रो कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, अर्का बिंदु भी छोटी वैरायटी है दोस्तों, इस एक्सपोर्ट वैरायटी है। पूसा कंचन इज ए वैरायटी ऑफ। दोस्तों जो पूसा कंचन है वो किसकी वैरायटी है? तो दोस्तों ये टर्निप की वैरायटी है। किसकी है? टर्निप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुले शुभांगी वैरायटी ऑफ कुकुमर इज हैविंग पेरेंट। तो दोस्तों ये किसका क्रॉस है? तो दोस्तों ये पॉइंसेट एंड कल्याणपुर अगेती का है। किसका? पॉइंसेट एंड कल्याणपुर अगेती का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश रैंक फर्स्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ गार्लिक। तो दोस्तों जो गार्लिक का हाईएस्ट प्रोटेक्शन किसमें है? चाइना में। किसमें? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वैरायटी ऑफ पॉइंटेड गार्ड। तो दोस्तों ये पॉइंटेड गार्ड की कौन सी वैरायटी है? बिहार शरीफ भी पॉइंटेड गार्ड की वैरायटी है, कल्याणपुर भी पॉइंटेड गार्ड की वैरायटी है, एंड दामोदर भी पॉइंटेड गार्ड की वैरायटी है। तो आंसर इज डी। दोस्तों याद रखिए, एक साथ तीनों वैरायटी याद होना चाहिए, बिहार शरीफ,
कल्याणी एंड द दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटरघाट फोर्ट आर रिच इन। तो दोस्तों जो बेटरघाट फोर्ट होता है वो किसका रिच होता है? तो दोस्तों बेटरघाट में आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। दोस्तों नाइट्रेट, अगर नाइट्रोन तो डायरेक्ट किसी में नहीं मिलेगा, अगर इसी जगह में NO3 होता है, क्या दोस्तों NO3 होता, तो इसमें ये सबसे ज्यादा स्पेनिश में पाया था। किसमें? स्पेनिश में नाइट्रेट किसमें पाया था दोस्तों? स्पेनिश में। और सबसे ज्यादा कॉपर किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो पॉइंटेड गार्ड में, याद रखिए पॉइंटेड गार्ड में सबसे ज्यादा कॉपर पाया जाता है। और जिंक किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों? काउपी में। चारों को चार ऑप्शन से याद होने चाहिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है दोस्तों? बेटरघाट में। और अगर यहाँ नाइट्रेट होता तो दोस्तों ये किसमें पाया जाता है? स्पेनिश में। जिंक, काउपी एंड कॉपर, पॉइंटेड गार्ड। अर्का अजित वैरायटी ऑफ पी इज रसिस्टेंट टू। तो दोस्तों जो अर्का अजित है ना, पाउडर मिल्यू एंड रस्ट रसिस्टेंट वैरायटी है। किसकी? पी की। जो है मटर जो है ना दोस्तों, मटर की वैरायटी है। मटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रस्ट है दोस्तों। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी पोटैटो इज वैरायटी ऑफ। दोस्तों जो बेबी पोटैटो है किसकी वैरायटी है? लीमा बिन की वैरायटी है। किसकी? लीमा बिन की वैरायटी है। अब दोस्तों पोटैटो की कौन कौन सी वैरायटी है दोस्तों, याद रखिए कुकरी देवा और कुकरी मेगा के बारे में बहुत कुछ आता है, क्योंकि दोस्तों ये लेट वैरायटी है। कैसी है? लेट वैरायटी है, कुकरी देवा कुकरी मेगा। अब कैसे याद रखेंगे दोस्तों? हमेशा आपको पता है देवा और मेघ, मेघ मतलब बरसात, हमेशा लेट से आते हैं। तो याद रखिए कुकरी देवा कुकरी मेगा ये लेट वैरायटी है। और इम्पोर्टेंट क्या, कुपरी बादशाह जो सबके रेसिस्टेंट है, कुपरी जो सीतमान है, जो सॉरी कुपरी जो है चिप्सोना 1 2 3 जो है चिप्स बनाने के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउपी पोर्ट आर रिच इन विटामिन। तो दोस्तों जो काउपी होता है दोस्तों, मोस्ट ऑफ पीज जो होते हैं विटामिन बी के रिच होते हैं। किसके लिए? विटामिन बी के रिच होते हैं। अब ए के रिच के लिए कौन सी विटामिन, कौन सी क्रॉप है दोस्तों? तो कैरेट ए के लिए है। वो सबसे ज्यादा हाईजेस्ट विटामिन किसमें पाया जाता है? बथुआ में पाया जाता है। किसमें? बथुआ में। और सबसे ज्यादा हाईजेस्ट विटामिन सी किसमें पाया जाता है दोस्तों? धनिया पाया जाता है। किसमें? कोरिएंडर लीव्स में। और बथुआ लीव्स में विटामिन ए। द प्लांट विच लव सनशाइन आर नोन एज। दोस्तों जो प्लांट धूप को पसंद करते हैं वो क्या बोलते हैं? हेलियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलियोट्रॉप्स बोलते हैं। जियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं दोस्तों? जिनकी जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं, तो और जो जनरली इनकी ब्रांच भी नीचे की तरफ जाती हैं, उनको जियोट्रॉप्स बोलते हैं। अमरकोप्लस याम इज यूज्ड एज। दोस्तों अमरकोप्लस याम जो है ना ब्लड प्यूरिफायर होता है। कैसा होता है? ब्लड प्यूरिफायर है। तो आंसर इज बी। तो याद रखिए दोस्तों, और एंटी स्टेरिलिटी किसके कारण आती है दोस्तों? तो इसको भी याद रखिए हमको, एंटी स्टेरिलिटी एलिफेंट फूड याम से भी होती है। और याम ब्लड प्यूरिफायर होता है। जो कुकुम्बर होता है तो बेस्ट अपेटाइजर होता है। कैसा? बेस्ट अपेटाइजर मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। दूसरा जो कार्डियो के स्टिमुलेंट, तो दोस्तों जनरली थोड़ा बहुत करी लीफ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज आल्सो नोन एज पेरिनियल ऑनियन। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सालोट इज अ पेरिनियल ऑनियन। लीक बायनियल होता है दोस्तों, ये ऑनियन फैमिली का ही प्लांट है। लीक बायनियल होता है, इसको नॉन बर फॉर्मिंग और नॉन ट्यूनिकेट क्रॉप बोलते हैं अमिलडेसी का। इसे ब्रांच स्टेम और लीव्स के लिए, ब्रांच स्टेम और लीव के लिए यूज किया, उगाते हैं, ग्रो करते हैं दोस्तों। जो रुबार्ब होता है, रुबार्ब के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। इसमें लीफ स्टाक एडिबल पार्ट होता है। किसमें? रुबार्ब में लीफ स्टाक होता है, याद रखिए लीफ स्टाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेरिया पोरी इज अ कॉजल इज ऑर्गेनिज्म ऑफ। तो दोस्तों अल्टरनेरिया पोरी किसमें डिसीज करता है? ये करता है किसमें? ऑनियन में करता है दोस्तों। किसमें? ऑनियन में डिसीज करता है, याद रखिए। तो ये
ये किसका पर्पल ब्लॉच का एरिया है, किसका पर्पल ब्लॉच का अल्टरन एरिया पूरी। दोस्तों बर्ड नेक्रोसिस स्पेशली वाटर मेलन में पाया जाता है, और ये वायरस के कारण होता है। किससे? वायरस के कारण होता है बर्ड नेक्रोसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। और जो रेस्ट डिसीज है वो किसके लिए दोस्तों? पी के लिए है। पी की एक और सीरियस डिसीज है पाउडर मिल्ड्यू। विल्ट वगैरह दोस्तों किस में जनरली आता है? तो ये आपने सुना होगा कोल क्रॉस में विल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड बैक मॉथ इज अ मोस्ट डैमेजिंग पेस्ट ऑफ। तो मोस्ट डैमेजिंग पेस्ट ऑफ दोस्तों कैबेज का भी है, कॉलीफ्लावर का भी है, ब्रोकोली का भी है। तो आंसर इज डी। अगर दोस्तों इनमें से पूछ जाते हैं, अगर एक ऑप्शन चुनने को आपको कोई बोले तो कैबेज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। किसका? कैबेज का। टिप वन इन लेट्यूस इज कॉज्ड ड्यू टू। तो दोस्तों जो टिप वन होता है लेट्यूस में वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों टिप वन किसके कारण होता है? ये तो कैल्शियम डिफिशियंसी भी होता है, हाई टेम्परेचर से भी होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से भी होता है। तो आंसर इज डी। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिप वन जनरली पूछा जाता है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखें, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देख लें, पर आप कॉपी पेन लेके बैठें और लिखते रहें। और दोस्तों आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलो इज अ सीरियस डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। दोस्तों मैं आपको इसको याद करा दूंगा, आप कभी नहीं बोलोगे। पिल्लो बोलते हैं तकिए को। किसको बोलते हैं? तकिए को बोलते हैं। तो दोस्तों अगर कैसे याद करोगे, एक तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तकिया सफ़ेद होता है, तो याद रखिए ये कैल्शियम आपको याद रह जाना चाहिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है पिल्लो, किसकी डेफिशिएंसी होता है? कैल्शियम। दूसरा क्वेश्चन है किस कुकुमर का, कुकुमर का है किसका दोस्तों? कुकुमर का। तो याद रखिए अगर कुकुमर में पिल्लो, हमने पिल्लो में कुकुमर भर के रख दिए, किसमें? तकिए में, तकिए का कुकुमर का तकिए बना लिया है। तो याद रखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड ऑफ स्वीट पेपर इन इंडिया। तो दोस्तों इसका सबसे जो कमर्शियल हाइब्रिड था कौन सा था? भारत था। किस क्या नाम था दोस्तों? भारत। पूसा नमीन दोस्तों बोटलगार्ड की वरायटी है। किसकी है? बोटलगार्ड की वरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वीट पोटैटो इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैलोरी। तो स्वीट पोटैटो में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो 3150 कैलोरी ऊर्जा होती है दोस्तों। ये बहुत चीप और सस्ती ऊर्जा है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AgNO3 इज यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ क्लोवर इन कुकरबिट्स। तो दोस्तों जो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, किसमें फ्लावर इंडक्शन करता है, किसको बढ़ाता है? तो दोस्तों ये मेल फ्लावर को इंक्रीज करता है। किसको? मेल फ्लावर को। और दोस्तों कुकरबिट्स में फीमेल फ्लावर को कौन बढ़ाता है? इथेफोन और NAA। क्या बढ़ाता है दोस्तों? इथेफोन और NAA। तो इथेफोन यूज करना चाहिए दोस्तों अगर हमको फीमेल फ्लावर बढ़ाना है तो। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑफ बोवर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रेप। तो दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा है। इसका आंसर है सी, मीन्स अगर हमको 1 रुपये खर्च करते हैं इसमें तो हमको 2 रुपये से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द वेजिटेबल कंटेनिंग हाइजेस्ट विटामिन ए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें होता है? तो इसमें दोस्तों कुकुम्बर में नहीं होता है, पोंट्री गार्ड में नहीं होता, पंपकिन में सबसे ज्यादा हाइजेस्ट विटामिन होता है। किसमें? पंपकिन में। दोस्तों काउपी वगैरह में तो कौन सा विटामिन ज्यादा होता है? विटामिन बी होता है। जितने पी हैं इसमें विटामिन बी ज्यादा पाया जाता है। और दोस्तों कुकुम्बर्स वगैरह में तो सिंपली विटामिन ई तो होता ही है, थोड़ा बहुत अपने विटामिन सी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेट बियरिंग इन मैंगो कैन बी कंट्रोल्ड बाय।
तो दोस्तों जो मैंगो का अल्टरनेट बियरिंग है, अल्टरनेट बियरिंग का मतलब क्या होता है, एक इसका जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एक साल फल आता है मैंगो में तो दूसरी साल नहीं आता है, मीन्स ये अल्टरनेट होके आता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट बियरिंग। तो इसको दोस्तों कलतार जो होता है ना, अगर इसको हम अप्लाई करते हैं प्लांट के रूट में, रूटों में थोड़ा सा अंदर मिट्टी में उसके बेस में डालते हैं, तो इससे इसकी रेगुलर बियरिंग होना शुरू हो जाती है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज अ रेशो ऑफ, दोस्तों हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका रेशो है, तो दोस्तों ये इसका आंसर भी है इकोनॉमिकल यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। दोस्तों इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें 100 भी होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ब्लोची राइपनिंग ऑफ टोमेटो इज कॉज ड्यू टू द, दोस्तों जो ब्लोची राइपनिंग क्यों होता है, ये पोटेशियम डिफिशियंसी कारण होता है। किस कारण? पोटेशियम डिफिशियंसी कारण होता है। हाई टेम्परेचर से कौन सा डिसऑर्डर होता है दोस्तों, इसको जो सेंसिस स्कॉल बोलते हैं ना, सेंसिस स्कॉल, वो हाई टेम्परेचर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म हाइड्रोपोनिक्स वाज डेराइव्ड बाय, किसने दिया था दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स टर्म, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स टर्म किसने दिया था, तो ये दो सेठ चेल ने दिया था, किसने, सेठ चेल ने दिया था, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड ग्रोइंग इन इंडिया इज रिटन बाय, ये बुक तो दोस्तों बहुत बार पूछी गई है, ये मान लो कि जो HB है, हैस जो जी हैं, इनका नाम तो कॉमन पूछा ही जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो बहुत पहले लिखी गई थी, HB हैस है इसका नाम, फूड ग्रोइंग इन इंडिया। गणेश गोल इज हाइब्रिड ऑफ, तो दोस्तों गणेश गोल कैबेज का हाइब्रिड है, किसका, कैबेज का हाइब्रिड है, याद रखिए। तो और मधुबिंदु इज एक्सपोर्ट कल्टीवार ऑफ, दोस्तों जो मधुबिंदु है वो किसका है, पपाया का एक्सपोर्ट कल्टीवार है, ओनियन का क्या है दोस्तों, पूसा बिंदु, और जो छोटी वैरायटी है वो ओनियन की, वो एक्सपोर्ट है। गार्लिक की कौन सी है जी दोस्तों, G282, G282 जो वैरायटी है दोस्तों वो गार्लिक की एक्सपोर्ट वैरायटी है, याद रखिए दोस्तों। और इनकी वजह से पूसा बिंदु है, अर्का बिंदु दोस्तों एक्सपोर्ट वैरायटी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बेरी बोरर इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ, दोस्तों ये बेरी बोरर कॉफी का सीरियस पेस्ट है, किसका, कॉफी का सीरियस पेस्ट है। दोस्तों स्ट्रॉबेरी के बारे में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे आपके होमवर्क, एज ए होमवर्क, और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो स्ट्रॉबेरी का प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, जिन लोगों ने हमारा कंप्लीट वीडियो देखा है उनको सच में पता चला होगा कि कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो था इसमें। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसमें कंप्लीट GRF NSRF और पूरा कंप्लीट हॉर्टिकल्चर कराएंगे, पूरा हॉर्टिकल्चर कोर्स कराएंगे दोस्तों। अभी हम कुछ दिन के बाद इसमें सब्जेक्टिव क्लास डालने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू देखने के, जय हिंद जय भारत।